मेरा नहीं, ये तो बिट्टू का सरप्राइज है। मैं जीजी माँ के लिए सरप्राइज रखती हूँ कि पपेट शो देखेंगी वो, ताकि उनको सारी मेमोरीज वापस आ जाए। पर उत्तरा देवी जो है बहुत शातिर है, बहुत ही वो है कि वो पपेट शो वाले को जो चीज़ नहीं दिखानी है जीजी माँ को, वही चीज़ बोलती है वो करने के लिए। तो जीजी माँ को पूरा सब क्या बोलते हैं उसे, वो हो जाता है, बुरी याद आ जाती है। हाँ, पर अभी अभी क्या किया वो तो बताओ। उत्तरा देवी ने, उत्तरा देवी ने पपेट शो ना देखूं उसके लिए, हाँ, क्या किया ना देखने के लिए? उत्तरा देवी ने ऑयल गिरा दिया हर जगह कि जीजी माँ फिसल जाए और वो ना देखे, पर बिट्टू आके बचा लेती है तो जीजी माँ देखती है पपेट शो। इसलिए ये बेस्ट दोस्त बन जाती है मेरी, और मैं इसे एक सैश देती हूँ। बेस्ट दोस्त, सबसे बेस्ट दोस्त, हाँ, का सबसे बेस्ट दोस्त। पर उत्तरा देवी ने इतना सब कुछ कर दिया फाल्गुनी के साथ, उसे गिराने की कोशिश की, फिर भी फाल्गुनी बेस्ट मॉम का सैश दे देती है। हाँ, दे देती है, क्योंकि फाल्गुनी को नहीं पता ना, फाल्गुनी के तो उसके लिए वो बेस्ट माँ ही है। और फाल्गुनी को क्या पता कि किसने गिराया है, ये नहीं पता कि उसी ने गिराया है। फाल्गुनी को तो ये भी नहीं पता कि नीचे ऑयल है उस वजह से गिरी। हाँ, एग्जैक्टली, और किसने गिराया, तो वो तो माँ है, माँ। इस बार तो नियति बन गई है जीजी माँ, एक तरह से कह रहे हैं हमेशा अपनी बहन को बचा रही हैं, और इस बार तो खुद आप लड़ गई, मतलब हमेशा इतना दिन से प्रिटेंड कर रहे थे, लेकिन अब आप खुद ही लड़ रहे हो। खुद उत्तरा देवी से क्या कहना चाहेंगे? उत्तरा देवी को पता चल जाता है सच के मैंने कैमराज छुपाए होते, तो उन्हें पता चल जाता है। तो अब फेस टू फेस वॉर चल रहा है, मैं जीजी माँ को बचा रही हूँ और वो पंगे लिए जा रही है। हाँ, ये चीज़ भी पता थी नियति को, तभी तो नियति ने जाके अपनी जीजी माँ को बचाया है, तो ये भी पता ही था। हर एक मुसीबतों से जीजी माँ अपनी जीजी माँ को बचाएगी। जीजी माँ अपनी हमें जीजी माँ बन गई है ना, तो जीजी माँ अपनी जीजी माँ को बचाएगी, और बस देखते रहिए जीजी माँ।